नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम कंपेयर करेंगे तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ में बॉलीवुड की फिल्म कबीर सिंह के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को, और आपको बताएंगे दोस्तों इन दोनों फिल्मों में पहले दिन सबसे ज़्यादा कमाई किस फिल्म ने की है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 2017 में रिलीज हुई फिल्म अर्जुन रेड्डी के बारे में, जो कि दोस्तों एक तेलुगु फिल्म थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था संदीप रेड्डी वांगा ने। वही दोस्तों इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में थे विजय देवरकोंडा। आपको बता दें दोस्तों फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म ने सिर्फ सिंगल लैंग्वेज में रिलीज होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी ओपनिंग ली थी और ये फिल्म 2017 में तेलुगु इंडस्ट्री में तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें अर्जुन रेड्डी फिल्म के बजट के बारे में तो अर्जुन रेड्डी फिल्म का बजट था लगभग 12 करोड़ रुपए। वही दोस्तों इस फिल्म ने पहले दिन इंडियन मार्केट में ग्रॉस कलेक्शन किया था 7 करोड़ 50 लाख रुपए का। वही इस फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन यानी कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहले दिन आया था 13 करोड़ 70 लाख रुपए। इसके बाद दोस्तों फिल्म को जो अच्छे रिव्यूज मिले थे उसके कारण फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का किया था और यह फिल्म 2017 की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली तेलुगु फिल्म बन चुकी थी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कबीर सिंह के फर्स्ट डे कलेक्शन और बजट के बारे में। ही दोस्तों बात करें कबीर सिंह फिल्म के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संदीप वेंगा ने, जो कि अर्जुन रेड्डी को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। वही दोस्तों अगर बात करें कबीर सिंह फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में तो इस फिल्म में नज़र आ रहे हैं शाहिद कपूर और उनके साथ में है कियारा आडवाणी और निकिता दत्ता। अगर दोस्तों बात करें कबीर सिंह फिल्म के बजट के बारे में तो इस फिल्म का बजट है 45 करोड़ रुपये। वही 10 करोड़ रुपये इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और मार्केटिंग कॉस्ट है, यानी कि फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है 55 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों अगर बात करें फिल्म के स्क्रीन साइज के बारे में तो इस फिल्म को हिंदुस्तान में 3123 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। वही ओवरसीज मार्केट में इस फिल्म को मिली है 493 स्क्रीन, यानी कि फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 3600 स्क्रीन से भी ज्यादा में रिलीज हुई है। अब अगर दोस्तों बात कर ले फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जो ओपनिंग मिली है वो इस साल की दूसरी सबसे बड़ी मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत के बाद कबीर सिंह को एक धमाकेदार ओपनिंग मिली है, वो भी बिना किसी त्यौहार रिलीज के। जी हाँ दोस्तों, जहाँ भारत फिल्म ईद पे आकर इतना अच्छा कलेक्शन कर गई थी, वही कबीर सिंह बिना किसी त्यौहार के रिलीज हुई है। फिर भी फिल्म को सुबह वाले शोज से लगा के नाइट वाले शोज तक सभी दूर हाउसफुल के बोर्ड देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के जो रिव्यूज आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है और फिल्म सभी लोगों को पसंद आ रही है। जितने भी लोग इस फिल्म को देखने गए थे किसी ने भी इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी भी बुराई नहीं की। आप चाहे तो ये थोड़ा सा क्लिप देख सकते हैं जिसमें पब्लिक इस फिल्म के बारे में क्या कह रही है। सर बेस्ट, ऑसम, ऑसम मतलब बुरे कोई बोले नहीं रहे, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, नंबर मूवी है, एक नंबर सुपर हिट बहुत अच्छा मूवी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, सुपर हिट फाड़ू सर, सुपर मूवी, सुपर साहिद का काम बहुत बढ़िया लगा सर। कैसे लगे? फाड़ू मूवी, बिल्कुल फाड़ू, फुल पैसा वसूल बेस्ट मूवी। साहिद का काम कैसा लगा? मौसम दिल जीत लिया, मैं भी जाके 4 किलो पीऊंगा वहाँ। तो दोस्तों देखा आपने, फिल्म लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई है, इसी की वजह से फिल्म ने पहले दिन जो कलेक्शन किए हैं वो शाहिद कपूर के करियर के अब तक के हाईएस्ट कलेक्शन हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो अभी तक की रिपोर्ट निकल के आई है उसके मुताबिक कबीर सिंह फिल्म अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ 50 लाख रुपये का नेट कलेक्शन कर रही है। वही ग्रोस कलेक्शन इस फिल्म का इंडिया में हो रहा है 26 करोड़ रुपये। वही अगर बात करें फिल्म के ओवरसीज़ कलेक्शन की तो दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज़ मार्केट में पहले कमाई कर रही है 6 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 26 करोड़ रुपए, वही ओवरसीज का ग्रोस कलेक्शन 6 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों कबीर सिंह का जो पहले दिन का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो जाता है वो हो चुका है 32 करोड़ रुपए, यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन अर्जुन रेड्डी से ज्यादा कलेक्शन रहा कबीर सिंह का। वैसे दोस्तों अगर आपने ये दोनों फिल्में देखी तो इसमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, अर्जुन रेड्डी या कबीर सिंह? अपनी फेवरेट फिल्म का
नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई खबर के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।